तिमोथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री पहला अध्याय। पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, प्रिय पुत्र तिमोथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे, जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी थाती की रखवाली कर। तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें फूगिलुस और हिरमुगिनेस हैं। उन्हें सिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ, पर जब वह रोमा में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। तिमोथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री दूसरा अध्याय। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो गृहस्थ परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूँ यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में
बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं, तो भी परमेश्वर की पक्की नेव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं और प्रभु के दास को झगड़ालू होना न चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो और विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री तीसरा अध्याय। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इसके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री चौथा अध्याय। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उससे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूँ
और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिसलुनीके को चला गया है, और क्रेंस केस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। तुखिकुस को मैंने इफिसुस को भेजा है, जो बागा में त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उससे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया। मेरे पहले प्रत्युत्तर करने के समय में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, परन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानियुग होती रहे, आमीन। प्रिस्का और अक्विला को और उन्हें सिफुरुस के घराने को नमस्कार। इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया, और त्रिफमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। यूबुलुस और पुंदेस और लीनुस और क्लौदिया और सब भाइयों का तुझे नमस्कार। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे।